नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आप प्रथम हेडलाइंस बुलेट उपर चढ़ीगला हाइवा जड़े मृत जड़े गुरुतर खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ निकट में मर्मतुत दुर्घटना सेपटे केन्द्रापड़ा तरड़ीपाल हाइवा सह ट्राक्टर धक्का जड़े मृत रास्ता उपर ठिया होता बस को जाली देले चांदवाली बंसोड़ा फेरीघाट निकट में दुर्वृत्तों उन्मुक्त कांड अल्पके बढ़ते चालक और हेल्पर आज पवित्र महाशिवरात्रि चलचंचल विभिन्न शैवपीठ कोविड कटकण से जगर पालन लिंगराज मंदिर बेढ़ दीप जापारे भक्त उत्सव मुखर धवलेश्वर पीठ आरडी में 144 धारा केन्द्र लिभाइब सिविलपाल निया आज ओडा आसुचार नुआ विशेषज्ञ टीम बीजेपी टीम को भेटा पर जावेदकर आक्शन सेपटे कुआपथर वर्षा आणला सामान्य आश्वस्ति केबे सुधरिबो चासी समस्या पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी रा चका जाम आज पूरी प्रति जिला रे 3 घंटिया रास्ता रो करिबो दल एवं जळुची ओडिशा आगो को आहुरी बढ़िबो ताते 38 डिग्री ऊपर 9 शहर रो पारद 35 डिग्री तळ को कसला भुवनेश्वर तापमात्रा 4 दिन ताते लागि रहिबो कहिला पाणी पाक केंद्र बुलेट उपरे हाइवा चढ़ी जड़े मृत जड़े गुरुतर खोर्धा जिला 16 नंबर जातीय राजपथ कंध नयागढ़ बाईपास निकट में मर्मतुत दुर्घटना घटुवा देखा मिली कैथपला गाँव रूसंडपुर को एक बरजात्री दल जाते जातीय राजपथ रास्ता निर्माण कार्य चलु हम्स निकट में युवक जनक बुलेट ब्रेक लगे समय पछपटू एक हाइवा ट्रक बुलेट उपर चढ़ुवा फल युवकों मृत्यु घटुला बैक पचर बसुवा अन्य जन युवक गुरुतर होते दुर्घटना को नहीं उत्तेजना देखाई उत्त्यक्त लोके हाइवा को भंगारुजा करते घटनास्थल में पुलिस पहुंची उत्त्यक्त लोक बुझाई विलंबित रात्रि में घटी दुर्घटना मृत युवक हेले कैथपला गाँव बुला बेहरा बोली जमापड़ी गुरुतर व्यक्ति ना जमापड़ना अंपटे घटना उपर पुलिस तदंत जारी रखी केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडाई ब्लॉक तरड़ीपाल गाँव में मर्मतुत सड़क दुर्घटना बाली बोझे हाइवा सह ट्राक्टर धक्का हेबा फल ट्राक्टर चालकों मृत्यु हो मृतक हेले पटामुंडाई ब्लॉक अमृत मणही गाँव असित साठी घटनास्थल में अग्निशम विभाग पहुंची असित को गुरुतर अवस्था पटामुंडाई डाक्तखाना भर्ती करते डाक्तर मृत घोषणा करते बेपरुआ गाड़ी चलना गत 15 दिन भितर दुई जनक जीवन जाता बेले 6 जन गुरुतर अवस्था एवं विभिन्न हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अछन्ते भद्रक जिला चंदवाली बांसोड़ा फेरीघाट निकट रे यात्रीबाई बस को जाली देले दुर्वृत्त अल्पके रक्षा पाइले चालक और हेल्पर विलंबित रात्रि रे नायक नामक जड़े यात्रीबाई बस को निया लगाई जाली देछन्ते दुर्वृत्त बस टी प्रतिदिन रात्रि भुवनेश्वर भाया चंदवाली दे बांसोड़ा फेरीघाट निकट में रात्रि जापन कर सका पुणी बांसोड़ भुवनेश्वर जाए हेले विलंबित दुर्वृत्त विलंबित रात दुर्वृत्त माने बस रे निया लगाई देते बस जल्वा फल गाड़ी भितर शुवा चालक और हेल्पर काच भांगी बाहर को बाहरी आसी खबर पाई अग्निशम बाहन कर्मचारी पहुंची बेलक बस टी संपूर्ण जली जा भद्रक जिला चंदवाली बांसोड़ा फेरीघाट निकट में यात्रीबाही बस को जाली देले दुर्वृत्त अल्पके रक्षा पाइले चालक एवं हेल्पर बोली जहाँ सूचना रही आपमन तार चित्र देखिपारे संपूर्ण भाव में बस टी जल जा देखा मिली विलंबित रात्रि नामक जहाँ सूचना रही कि नामक यात्रीबाही बस को निया लगाई जाली देते दुर्वृत्त बस टी प्रतिदिन रात्रि भुवनेश्वर भाया चंदवाली दे बांसोड़ा फेरीघाट निकट में रात्रि जापन कर सका पुणी बांसोड़ भुवनेश्वर जाए जहाँ सूचना रही है महंगा पड़ा महिला कर्मचारी को दुर्व्यवहार करने घटना अभियोग 24 घंटा भितर आक्शन ने रायगढ़ जिलापाल विषम कटक ब्लक ओडिशा जीविका मिशन विभाग रे बीएमपी दायित्व रे कार्य करुवा बिका जहाँ किशोर कररियार 4 जन महिला कर्मचारी मानक दुर्व्यवहार करत महिला मैंने अभियोग होता तेज अभियोग 24 घंटा भितर
बीपीएम को विरोध रे एक्शन ने बदली कर जिला प्रशासन तांकु एबे काशीपुर ब्लॉक को बदली करा जाय थिबा बेले विषम कटक दायित्व रे एक नुआ बीपीएम नियुक्ति करा जाय छे। आज महाशिवरात्रि चलचंचल राज्य विभिन्न शैवपीठ आज पवित्र महाशिवरात्रि चलचंचल राज्य विभिन्न शैवपीठ फूलर सजय हो भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भक्त श्रृंखलित दर्शन पर ब्यारिकेड्र व्यवस्था मंदिर बेढ़ साधारण भक्त जगर दीप जाल्वाक अनुमति मिले सामाजिक दूरता और मास्क पिंधि दीप प्राय 50% भक्त को दीप जापारे से हीपरी जगर पर लोकनाथ पीठ उत्सव मुखर हो कोविड कटक भक्त थर्मल टेस्टिंग मंदिर भितर को छोड़ा जाउथिबा बेले भितर को भोग किंबा अन्य पूजा सामग्री नेजिबा को बारण रही राति 10टा रु राति 2टा पर्यंत विभिन्न नीतिकांति करा जिबा परे प्राय राति 4टा रे हरिहर भेट हेबो। हरिहर भेट परे भक्त माने समानक जालीथिबा दीप को उज्जापित करिवे सेबडे जागरो पाई आरोटी धाम रे बाबा अखंडल मणि को मंदिर चलचंचल होछि तेबे कोरोना कारण रु बिना भक्त रे मणि बाबांक मंदिर चूड़ा को उठिबो महादीप प्रशासन पक्षर पीठ से दुई दिन धरी 144 धारा जारी करा जाई अन्यपटे बाबा धवलेश्वर पीठ से उत्सव मुखर परिस्थिति देखा मिले तेब अधिक आलोचना करवा आम सहित आम प्रतिनिधि अच्छा जी कह कि कविता स्वाई से बर्तमान अच्छा भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर मंदिर सम्मुखर आम सहित जोड़ कविता कि सेठाकर दृश्य अंपटे समस्त नीतिकांति सहित बर्तमान स्थित कौन रही जो भाव में समस्ते उत्सव मुखर जी कह समस्त शैवपीठ कितु भक्त मैंने खुशी अच्छा जेहेतु से आज शिव मंदिर आज दर्शन कर समस्त जदि कह बर्तमान स्थित निहाती भाव में विस्मित जदि कह कि ब्रह्मेश्वर मंदिर स्थित कथा जहाँ परिवेश रही शिवरात्रि पाई जदि कह शिवमय परिस्थिति परिवेश सहित लोक मान गहली बेस गहली ना नियम अनुसार सबकि कहीं सब वर्ष परी ए वर्ष भिन्न शिवरात्रि कहीं पूर्वर कटक रही सत कि यही कटक रही ना मुहरें मस्क ना कि सामाजिक दूरता मानवापी नियम ना कि चलित बर्ष ये नियम रही कोविड पाई जो नियम करानिक समस्ते मानुंटे ये देखुए कैमेरा पर्सन सनातन को कह देखापी केमी दीप जालुंट भक्त मैंने आसुंच दीप जाल्वासह दर्शन जहाँ धाड़ी दर्शन करने साधारण दर्शन परियम रही जाऊँ भक्त मैंने जा सहित जो कह कि ब्यारिकेड सब मंदिर आम चेष्टा करूँ सब मंदिर छोट बड़ मंदिर बुलिकी आम दर्शक मैंने जो मैंने रही सीधा सड़क दृश्य देखापी के मंदिर में क्यों प्रकार परिवेश रही क्यों प्रकार पूजा अर्चना करों प्रकार व्यवस्था कर समस्त देखापी चाहबू आदि कह ब्रह्मेश्वर मंदिर दृश्य कथा तालोले ब्यारिकेड कर गोटे पटे लोक छड़ा जाऊँ थर्मल स्कैनिंग कर छड़ा जाऊँ आर पटे चतुर्पार्श्व बुले सारापर भक्त मैंने आर पटे ओह्लैवाई बाट रखा जाए आमे से जा पटे भक्त मैंने जा प्रतिक्रिया ना कहीं जोबले शिवरात्रि कथा आसे शिवरात्रि हूँ एक हिंदू हिंदू धर्मर गोटे बड़ पर्व समस्ते ये दिन को पूजा अर्चना करने अनेक बसी था सहित उपवास करती सकाल उपवास रखापर जोबले महादीप उठे तापर जा मनोकामना रही था से पूजा करती महादीप उठला ही उजागर जहाँ रुहत उपवास रही था भांगी था जी कह भक्त प्रतिक्रिया ना कहीं द्वंद्व लगी रही है द्वंद भितर पूजापाई निर्देश मिली और पूजा करुँच भक्त मान आज्ञा कौन कहे जो भाव में पूजापाई द्वंद्व लगी दीपदान करना पूजा हो पारना यह गोटे द्वंद्व रही है कि निर्देश मिली पूजा करने आप
बहुत कष्ट मानने मिली आमको परमिशन भजन प्रोग्राम पर घंटा मिली शांति श्रृंखला सब मास्क दर्शन कर बहुत बढ़िया दर्शन बहुत कपड़ा लाइन सब समझ पार्क सब मास्क ये सब चलते आज्ञा आपड़ पूजा करके आसिले आज जदि कह शिवरात्रि होउछि बड़ पर्व आमर आम समस्ते उपवास करती पूजा करती मनोकामना पूर्ण पाई आपड़ पूजा करके आसिले कौन कह द्वंद्व लगी कि पूजा हो पारना दीपजान हो पारना ना पूजा करके आत्मा टिके शांति लगुच ईश्वर पूर्ववत सेमती समस्त को सुखने रखु गतानुगतिक भाव में सेमती चली रो सृष्टि ईश्वर आशीर्वाद समस्त भल निहाति भाव कहीं हूँ भक्त भगवान दिन समस्ते भक्त मैंने आसती मंदिर आसती पूजा अर्चना करती पूजा अर्चना करने जहाँ रही था निजर मनोकामना जहाँ रही था निजर मानसिक जहाँ रही था ताहा पूरण करने मंदिर आसती आदि कह समस्त मुहरे मास रही समस्ते पूजा करने मनरे गोटे खुशी रही कि समस्ते मंदिर आसबे पूजा करेंगे पूजा करने को जो उपवास रही बहुत सुविधा कविता आप समस्त सूचना तबे आज आप देखुले विभिन्न शैवपीठर दृश्य विभिन्न स्थान में आज शिवशिव ध्वनि समस्त शैवपीठ एक प्रकार प्रकम्पित हो उठी किंतु केउटना केउटि जो गाइडलाइन रही अर्थात कोविड्र भय रही तार दृश्य मत देखा मिले समस्ते पालन करुछन्ति तबे वर्तमान आम सहित आरडी पीठ धाम सीधासल जन प्रतिनिधि प्रकाश महांती प्रकाश सेठाकर दृश्य किभल रही कहीं शिवशिव ध्वनि प्रकम्पित होउची समस्त शैवपीठ एवं अन्यपटे गोटे पटे जदि कहिबा कि शिवध्वनि अन्यपटे कोविड गाइडलाइन जो कोविड गाइडलाइन अच्छी कटकणा जो अच्छे ताको मानिक बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केउजर एवं एभली भाव सारा राज्य में समस्त शैवपीठ गुड़िकरे जो कोविड नियम पालन कर दर्शन करमें जो जगार अच्छे भद्रक जिला बाबा आरणी पीठ से कोविड गाइडलाइन हिसाब से समस्त जो श्रद्धालु बा भक्त मैंने अच्छा से मैंने आज देखुं समस्ते महाप्रभु शिव शिवशंकर को दर्शन करेंगे ये हूँ से ही दृश्य जो दुर्लभ दृश्य देखापी भक्त टीए सब अपेक्षा कर गोटे वर्ष यही जगह को आम कह देखु जो भाई भाव सरकार पक्ष जो गाइडलाइन जारी करा कि कोविड गाइडलाइन अनुसार जी एवं समस्त भक्त देखिए आधार कार्ड आप देखुं समस्त आधार कार्ड धरती आधार कार्ड देखा से प्रवेश कराबा ये हूँ विस्मी से दुर्लभ दृश्य जे कि बाबा अखंडमणि ये हूँ से मूर्ति जो बाबा दर्शन करने जे कि भारत बर्षर समस्त चाहती समस्त सर्वभक्त मैंने चाहती केत टे दुर्लभ दृश्य से मैंने दृश्य मान ये करेंगे दर्शन करेंगे या आप देखुं ये हूँ से दुर्लभ दृश्य बाबा अखंडमणि सीधा चित्र आपखिपे भक्त मैंने सेवायत मैंने देखुं सरकार जो भाई कोविड कटक गाइडलाइन जारी करन कर भक्त मैंने देखुं लंबा धाड़ी से आसुच्चा सहित जो आधार कार्ड अच्छी से आधार कार्ड को आधार कार्ड देखा से समस्त पुलिस प्रशासन पक्ष व्यापक बंदोबस्त कराई जो भाव जिते भक्त आसे पखापाखि चार पंचायत जो अनुमति मिली जो भक्त मान दर्शन करने से कमी सुरखुरी में धाड़ी में मास्क पिंधि से आसवे से नहीं कि समस्त व्यवस्था करखते जो कथा कहते जो मौसमी हाथ में अच्छी मौसमी देखिए आप आधार कार्ड धरी देखते विस्मय आधार कार्ड धरती बाबा को बर्तमान दर्शन कर सारी प्रथम प्रतिज्ञा ना कम आज्ञा देखिए कोविड गाइडलाइन हिसाब मानिक बाबा को दर्शन कर दुखित होलु कि बर्तमान आम जो शुणिलु भोर जे आम पंचायत चार पंचायत खोला होती आम से बहुत खुशी कांदी पकईचु दर्शन पाइबुन बोली एत बड़ दिन आम आज दर्शन पाइबुन ठाकुर को ये बहुत दुखित होलु आ बहुत खुशी अच्छा आज
ये हूँ भक्त भगवान मिलन रहा दर्शन जो कथा कहते देखुं कौ भाई एवं भाव बेहोल बेसि कांदी पकाचं भक्त कहीं जो जाते कि सरकार मना कर भक्त भगवान ठीक दूरे रखापी कहते जाओ शेष में बाबा चमत्कार देखा दे शेष भगवान को भक्त दर्शन करपा आम देखु बर्तमान दर्शन करके फेर बाबा आरपीट जगार केमी कौन थी परेश आमे वर्तमान बाबा पीठ पर आसीचु बहुत आनंद लगुच देखिक परेश आदि यही गाइडलाइन न था तेल दर्शन करने असंभव होता लोक मैंने कई मानि न था बहुत मानते बर्तमान कि लगुच बहुत शांति श्रृंखला आम देखिपु आम यार बासीदा कितु हेले भी सुधा आम प्रत्येक वर्ष जगह पशिपना किंतु ए वर्ष मु बहुत अनुभव कर जगह देखी पारे किसी भक्त रही कि बाबा को दर्शन करा चाहते से कष्ट रोचे कहीं से दर्शन रू बचित हाँ आज पूरा दिन ठाकुर दर्शन पाई आम बड़ भाग्यर कथा दर्शन कले दर्शन कले दर्शन करके आसन आ भल लगुच से बंद था असुविधा बहुत लगुला आम को हाँ बाबा पीठ को आसिले कौन हुए जगह देखिले कौन हुए जगह बाबा को दर्शन कले कौन मिले मन गोटे आग्रह नहीं आसती लोक देखिले टे खुशी है ये कौन आज आप कौट आबा दर्शन बस स्टाण्रे बहुत बहुत खुशी आम बाबा कौन मागिले आज गोटे कहते जहाँ मनस्कामना मानते करती बाबा पूरण कर देखिक आम मन पूरा दुख हो गला बाबा मन दुख मन बहुत दुख भक्त भगवान दूरता बढ़ी भारी मन दुख भक्त भगवान क्या जो कहला विस्मय आ गए सब चमत्कार कथ कहार देखिए देखी था ये हूँ से बाबा जो कुंड जल जहाँ को कि पाइले जिते दुरारोग्य होता ना कहीं जिते विषधर का साप कामुड़ी था कहीं आपड़ जदि कुंड जल पादुक को पाइबे निमिषक मध्य विष कड़े उभ जाए और जो दुरारोग्य विभिन्न प्रकार हो कैंसर ठूँ आरंभ कर विभिन्न दुरारोग्य जो भाई रही जो मान कि बहु डाक्तर मैंने भल कर पारती ना निमिषक मध्य कुंड जल पीले से रोग भल हो गोटे विश्वास रही आम सहित अच्छा जन भक्त आज्ञा आप देखुंत कुंडल जल कथा कहवा आप अपेक्षा करते कुंडल कुंडल टी पाइले ना पाई ना कुंडल जल पाइले कौन हुए कुंड जल पाइले रोग भल हुए आम निजे उपभोक्ता ये रही आम 2002 चार वर्ष पांच वर्ष ये रही आई पादुका प्रत्येक दिन आम पीओ प्रत्येक दिन पेट गैस्ट्रिक होता बाबू आर भी आउ से हाँ से भल हो गला यही कुंड पाद प्रत्येक दिन सका आम गाधक आस प्रत्येक दिन पीओ आम भल हो गला से रोग पेट रोग टोटाली ना ना से शुणुले जो भाई भाव से कहते पेटर गैस्ट्रिक दीर्घ 4 वर्ष है सी पीछे किसी ना आज जो देखते भाज नौ आज्ञा मैडम आप देखुं जो भाई भाव भक्त आसुँच ये पादुका पाँच कुंड जल पाँच किपर भाव ये जो पादुका को टे पाइबे से जो विश्वास रही विभिन्न प्रकार दुरारोग्य ठीक आरंभ कर जो साप कामुड़ा हो जाओ से भल आज्ञा मऊसा आपड़ भी अपेक्षा करते पादुका पाइबापी कुंड जल पाइबा कौटू आस आम घर पहना ये कुंड जल पीने साप कामुने भी विष पा हो जाए हाँ आज बेमार आरोग्य सब भक्ति जी आपको पादुका पाइब सब तुम आरोग्य हो बड़ रोग दुनिया मेडिकल बुली बुली कोटी कोटी टाँग खर्च कर भल होने कि बाबा पादुकार भल हो जाए जगह बाबा दर्शन कर हाँ हाँ जो थिला गोटे मना कर सरकार मना कर आमर ये 4 पंचायत आज अर्डर दे सब कलेक्टर देलापर तापर आम 4 पंचायत लोक दर्शन कर 4 पंचायत देखिए लोक पाइले दर्शन पाइले आ कि जो आस लक्ष लक्ष श्रद्धा आसने दर्शन कर पार ना कौन कहे ना तथा किसी किसी जी आस दर्शन भी किसी किसी कर हाँ मन दुख कहीं करेंगे तो आस दर्शन कर निहतरे प्रकाश जदि कह कि महादेव लीला असीम ताक बखाणी हुए तो आम पाखे संभव नुहे बहुत धन्यवाद प्रकाश आप समस्त सूचनापाई तो बर्तमान आम सहित जदि कह कि लोकनाथ मंदिर सम्मुख सीधा सड़क जो प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक जदि कह प्रत वर्ष अपेक्षा चलित थर के टे व्यतिक्रम देखा मिली कहीं पूर्व देखी जा पूर्व वर्ष रु कि सब वर्ष कौन सी गाइडलाइन न थाए
मुहरे किछि न थाए समस्त आराम रे जानती अनेक भक्त एका संग रे जदि कहबा एका संग रे जानती मंदिर दर्शन करंती कोनसे प्रकार गाइडलाइन न थाए किंतु चलित थरो केउटना केउठी कोरोना पई किछि भिन्न धरण दर्शन हेउछि निश्चित विश्व आपण जानिछन्ती सबु वर्ष थरु चलित वर्ष टिके भिन्न धरण दर्शन हेउछि दर्शन त आरंभ होइ जाइछि कहि परबा सर्वसाधारण दर्शन भोर 4टा रु आरंभ होइछि राती 4टा पर्यंत जारी रहिबे आपण जानिछन्ती राज्यर जो प्रमुख शैवपीठ गुडिक अछि से राज्यर प्रमुख शैवपीठ गुडिक मध्यरु बाबा लोकनाथक पीठर महात्म्य एवं स्वतंत्र टिके भिन्न रहिछि कारण बाबा लोकनाथ होछन्ती विश्व महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर भंडार रक्षक पौराणिक दृष्टि हो कि आध्यात्मिक दृष्टि हो बाबा लोकनाथंकर स्वतंत्र व्यवस्था रही स्वतंत्र परिचय रही है विस्मय आम तो आपको लोकनाथ मंदिर ताजा दृश्य देखिलु भक्त श्रद्धालु मान प्रतिक्रिया देखिलु गोटे निरा दृश्य आम टे लोकनाथ मंदिर प्रांगण में जो दोकानी भाई मैंने अच्छा देखा चाहिए आप जानते जो रूप बा महादेव पाखे जो रूप लागी करा जाए जो भक्त श्रद्धालु मान शरीर संपूर्ण रूपे असुस्थ थाए से माने से मानक मानसिक एवं मनस्कामना पूरण करने को रूप दे था आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए गोटी गोटी की आम दर्शक आज देखिए दर्शक ये हूँ रूपर पाद जदि कौन श्रद्धालु पादर किसी समस्या थाए से महादेव पाखे पादटी को समर्पण करें ये हूँ आखि आखि समर्पण करें केवल आखि पाद नुह विस्मी शरीर प्रत्येक अंगर रूप एठार महजूद मिले एठार दोकानी भाई मैंने बिकि था भक्त श्रद्धालु मैंने क्रय कर मानसिक करवल शरीर प्रत्येक अंग नुह सर्प जो मानकर जो स्वप्न दोष बा सर्प दोष कहीपर जो मैंने सर्प को स्वप्न देखी था से सर्प को सीधा सड़क बाबा लोकनाथ पाखे मानसिक भाव लागले से स्वप्न जो सर्प आसता दूरीभूत होता है तो निश्चित भाव ये गोटे निरा दृश्य आम देखा पाइल यार गोटे परंपरा भिन्न रही है तो निश्चित भाव कहीपर विस्मय समय जी बढ़ी चलती भक्त श्रद्धालु संख्या से बढ़ी चलती आपत जानते जो लोकनाथ पीठ से जो स्वतंत्र व्यवस्था कर जो भक्त श्रद्धालु मैंने जो दीप जाड़े रात अनिद्रा हे जगर दीप जाड़े जो मानसिक मनस्कामना पूरण करने को महादेव निकट में जगर दीप जाड़ी था जिते बड़े हरिहर भेट हुए प्राय जहाँ समय सीमा धार्य कर भोर 4टे हरिहर भेट हम से जगर को उद्यापित करेंगे तो निश्चित भाव में भक्त सुरक्षा पाई मैंने आंबुलांस व्यवस्था कर अग्निशम बाहन व्यवस्था कर सीधा सड़क दृश्य मैं विस्मय दर्शक मानक देखा चाहिए कारण बाबा लोकनाथ पीठ को जो आशा आशंकर जो थी आशा आशंकर चलित बर्ष जगर जात्रा हो कि नहीं से आशा आशंका उपर सीधा सड़क पूर्णच्छेद पड़ी समस्त भक्त श्रद्धालु आसुचार कोविड कटक मुताबक धाड़ी में दर्शन करेटिंग मध्यम और कि भाव में कौन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि न हो से अग्निशम बाहिनी एवं आंबुलांस व्यापक व्यवस्था कराई आम आहरी ताजा दृश्य देखा चाहिए आपको आम विस्मय देखेलु पवित्र पंक उधार एकादशी से जो जगत मंगल जो सर्वबृहत दीपटी लगी दीप वर्तमान सुधा जलुची कारण आज जिते बड़े हरिहर भेट हम से दीप सीधा सड़क जो लोकनाथ मंदिर प्रांगण में जो रही पार्वती सगर सेठारे मध्य से दीप को विसर्जन कर दीपर आम आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए जो अढ़ई फुट गभीर जो दीप रही से दीपर सीधा सड़क दृश्य आम आपको देखु कि भाव भक्त श्रद्धालु मैंने जो शैव भक्त मैंने अच्छा से आसुँच दीपर मैं सीधा सड़क से घी ढालुं तो निश्चित भाव में ये गोटे अन्य परिवेश कारण दीर्घ 9 वर्ष काल यही बृहत जगत मंगल जगर दीप प्रज्वलन कर चलित बर्ष पंक उजाला एकादशी ठारूँ दीप प्रज्वलन कर तो समस्त भक्त श्रद्धालु मैंने आसुचार से जो जगतर मंगलपाई जो दीपटी उद्दिष्ट हो जो अनुष्ठान पक्षर दीप उद्दिष्ट हो दीपर सीधा सड़क समस्ते घी ढालुंट तो निहाती भाव में ये हूँ बाबा लोकनाथ मंदिर प्रांगण दृश्य जिते समय बढ़ी चलती भक्त श्रद्धालु मानक आगमन से चलती तो पुलिस पक्षर जदि आम कह विस्मय आप जानते जहाँ पूरी एसपी ड के विशाल सिंह का प्रतिक्रिया रखी थे 15 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर कौन से अप्रीतिकर परिस्थिति जमी सृष्टि न हो से पुलिस प्रशासन सजग रही आप देखुंत लोकनाथ मंदिर बाहर जो दीप दोकान तो क्या दीप दोकान हो प्रशासन तरफ गाइडलाइन कराई कितु जो प्रसाद फूल नैवेद्य कदमी जो महादेव पाखे जो प्रसाद लागू कराए दोकानी भाई मैंने संपूर्ण रूपए कटक मानते समस्ते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर
ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କରୋନା କଟକଣାକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଗମ୍ଭୀରା ବାହାରୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ବାହାର ଗମ୍ଭୀରାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକିରି ସିଧାସଳଖ ଗମ୍ଭୀରା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେତେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ବିସ୍ମୟ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା, ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିବ। କାରଣ ଯାହା ଡିସିସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଭୋର 4ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି, ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ 10ଟାରୁ ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, 10ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବିସ୍ମି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଗର ଦୀପ ଜଳିବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଦୀପକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ବିସ୍ମି। ଆଲୋକ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ? ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ କହିଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ପୀଠଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି ବା ପରିସର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧଳା ଗାର ମଧ୍ୟ ଟଣାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଫୁଟ ଦୂର ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନରୁ ଯାଇନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା, ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି ବିସ୍ମୟ। ଆଲୋକ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଏ ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କି ଚଳିତ ଥର ହୁଏତ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି, କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମାଗମ ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପରେ ଚଳିତ ଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭୟ ରହିଛି କି ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କାହା ହୁଏତ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେ କରୋନାର ସେ ଭୟ ଏବଂ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଭଳି କିଛି ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ରହୁଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଗହଳି କଥା କହିବା, ଗହଳି ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି କରୋନାର ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଆସିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ବା 2 ଫୁଟ ଦୂରତା ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ହୁଏ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମହାଦେବଙ୍କର ବାହାର ଗମ୍ଭୀରରୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରପର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କରୋନା କଟକଣାର ଭୟ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗହଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଦୀର୍ଘ 10ରୁ 11 ମାସ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାବା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହୁଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏତେଟା ବି ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ନାମ ଯେମିତି ଅନେକ, ତାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରହିଛି ଅସୀମ। ତେବେ ତାକୁ ବଖାଣିବା ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ସେଠାରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର, ଯେଉଁ ଜାଗରକୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ମନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜାଗର ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ସେତୁ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ଝୁଲା ସେତୁ। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଝୁଲା ସେତୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱରର ପୂଜକ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଜାଗର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଭାଇନା କହିବେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ସତେ ଯେମିତି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏକାଏକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ। ଏବଂ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନୀତିକାନ୍ତି। ଦେଖୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଭୋରୁ ପ୍ରଭୁ 3 ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସିଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ସେଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ମହୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବାସିଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପର ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ତାପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଇନା ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତମାମ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ପୂଜକ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକାକି ହେଇଛି ଜାଗର, କ'ଣ କହିବେ ଆଗକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଯଦି ପବିତ୍ର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ମନ କୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜାଗା ଫାଟି ଉଠିଥାନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ କାମ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କେତେକ ପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଧୂପ ପଞ୍ଚବିକାଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଦୀପ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ହରହରି ଭେଟ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ହରହରି ଭେଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠି ସିଧା ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି, 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାଗର ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।